फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो और कुछ ऐसे इम्प्रेस करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि जब आप वहां ना हो, उसके आसपास ना हो, आपके अब्सेंस में भी वो इंसान आपके बारे में सोचे, आप उसके माइंड में अपनी जगह बनाना चाहते हो, आप कुछ उसके साथ इस तरह का बॉन्ड बनाना चाहते हो कि वो आपके ख्यालों में खोया रहे, आपके बारे में सोचता रहे, उसके दिमाग में आप अपनी जगह बना लो। तो चलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी के भी दिमाग में, किसी के भी माइंड में अपनी जगह बना सकते हैं और वो इंसान आपके बारे में सोचेगा, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएगा। सबसे पहला, आपके देखने का तरीका। आपके देखने का तरीका कैसा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी आंखें जो भी आपके मन में है वो सब कुछ सामने वाले को बता सकती है। आपके देखने का तरीका किसी के साथ भी एक कनेक्शन क्रिएट कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है बिना कुछ बोले। आपकी आंखें साफ साफ आपकी किसी के लिए चिंता, किसी के लिए इंटरेस्ट, किसी के लिए फीलिंग्स, किसी के लिए गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ बता देती हैं बिना कुछ बोले। बिना एक शब्द कहे सामने वाला आपकी आंखों से सब समझ जाता है। इसलिए अगर आप सामने वाले के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपकी आंखें जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपका जो देखने का तरीका है वो सीधे उसके माइंड पर असर डालता है, सामने वाले के दिमाग पर असर डालता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी के माइंड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप उस इंसान से बात करते समय बीच बीच में उसका नाम जरूर लें, नाम लेके उससे बात करें, तो वो इंसान आपकी बातचीत में, आपकी कन्वर्सेशन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी ग्रुप में आप बात कर रहे हैं तो आप उस इंसान का नाम लेके अगर उससे बात करने लगते हैं तो पूरे ग्रुप में वो इंसान आपकी बातों पे ज्यादा फोकस करने लगता है। आप उससे जो भी कहोगे उस टाइम, आप जो भी बात करोगे वो ध्यान से सुनेगा भी और हमेशा याद रखेगा। जब आप किसी का नाम लेके उससे बात करते हो तो अपना नाम सुनते ही सामने वाले के चेहरे पे चमक आ जाती है और वो उन बातों पे ज्यादा फोकस करने लगता है, उस कन्वर्सेशन में तुरंत कनेक्ट हो जाता है और उन बातों को हमेशा याद भी रखता है। तो अगर आप ध्यान रखें, अगर किसी के बारे में आपको जगह बनानी है तो उससे बात करते समय बीच बीच में उसका नाम जरूर लें। तीसरा पॉइंट, सामने वाले के सामने रियल बन के रहें। चलिए सोचिए, आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपने उनसे बातें की होंगी, उनमें से कुछ आपके फ्रेंड भी बने होंगे। तो चलिए सोचिए कि आज भी अगर वो आज आपको याद है तो क्यों याद है, कौन सी चीज उनकी आपको ज्यादा याद है या किस वजह से वो आज भी आपके माइंड में है। तो अगर आप सोचेंगे तो ध्यान देंगे कि वो लोग आपके दिमाग में आज भी हैं जिन्होंने आपके साथ डीप कन्वर्सेशन किया। डीप कन्वर्सेशन में आपको अपनी लाइफ की रियल स्टोरी सुनाई, आपको अपनी लाइफ का इमोशनल पार्ट बताया, आपके अपनी लाइफ के इमोशनल चीजें शेयर की आपके साथ, वो आज भी आपको याद होंगे। और वो स्टोरी जो कहीं ना कहीं आपसे भी रिलेट करती है, क्योंकि अक्सर आपको वो लोग ज्यादा याद रहते हैं जो जिनकी स्टोरी, जिनकी रियल स्टोरी कहीं ना कहीं आपसे मिलती जुलती होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी के माइंड में अपनी प्लेस बनाए, अपनी जगह बनाए, तो आप भी उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें, अपनी लाइफ की इमोशनल स्टोरी उसे सुनाएं, वो इंसान आपको कभी नहीं भूल पाएगा। फोर्थ पॉइंट, आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना, मतलब कि आपको उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है कि वो इंसान आपसे बोले कि मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं या ट्रस्ट करती हूं। आपको कुछ ऐसा बॉन्ड बनाना। और ये कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसे क्वेश्चन पूछेंगे उस बारे में, क्योंकि उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ना केवल क्वेश्चन पूछेंगे बल्कि आप आंसर जानने के लिए भी इच्छुक रहेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप सामने वाले के इस तरह का बॉन्ड बना लेते हैं, सामने वाले के साथ एक ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं कि आप उसकी बातों को समझते हैं, उसकी सिचुएशन को समझते हैं और उसको समझते हैं, तब वो आपसे बोलेगा कि ये बात मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, ये करती हूँ। फिफ्थ नंबर पॉइंट, अगर आप किसी इंसान के माइंड में जगह बनाना चाहते हो तो आपको उसके साथ मेमोरी क्रिएट करनी होगी, आपको उसके साथ समय बिताना होगा, और समय बिताएंगे तभी मेमोरी क्रिएट होगी, तभी आपकी यादें बनेगी। आखिर वो इंसान आपको क्यों याद रखेगा और आपके बारे में क्या याद करेगा, तो इसके लिए आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा,
आप उसके साथ कॉलेज ट्रिप में जाए या ऑफिस ट्रिप पे या नॉर्मल टूर में कहीं भी जाए, बस उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताएं, कुछ अच्छी मेमोरी क्रिएट करें, कुछ ऐसी जो अनफॉरगेटेबल हो, जो कभी इंसान आपके बारे में सोचे तो उसके दिमाग पे मेमोरी आ जाए और वो अपनी पिछली लाइफ में चला जाए, पिछली जिंदगी में चला जाए, कुछ ऐसी मेमोरी। और इन मेमोरीज को बनाने के लिए, ये मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा और अच्छा टाइम स्पेंड करना होगा, तभी वो इंसान आपको याद करेगा। सिक्स नंबर पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव रहे। देखिए, जब हर एक इंसान की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, तो इंसान जब फ्री होता है तो ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है जो पॉजिटिव रहता है, जो हमेशा खुश रहता है। और जब वो अपनी लाइफ के टफ टाइम से भी गुजर रहा होता है तो वो ऐसे इंसान को याद करता है जिससे उसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंसान जब टफ टाइम में होगा, जिसके दिमाग में आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जिसके माइंड में आप अपनी जगह बनाना चाहते हो, और जब वो टफ टाइम में होगा तो उसे आपकी याद आएगी, क्योंकि वो आपके साथ या आपसे बात करके रिलैक्स फील करता है, उसे अच्छा लगता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, जिससे उसे आप सामने वाले इंसान को आप खुद पॉजिटिव वाइब्स दे सको, जिससे वो जब टफ टाइम में हो तो आपको याद करे। सेवन नंबर पॉइंट, आप चाहते हो कोई आपकी एब्सेंस में भी आपको याद करे, तो आप उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक भी करें, थोड़ा फन भी करें, उसे थोड़ा टीज करें, चिढ़ाएं, उसका कोई नाम दे प्यार में। जब आप ऐसा करते हो, आपका चिढ़ाना, आपका हंसी मजाक करना, आपका कोई उसे नाम देना, तो जब भी वो अकेले में होता है इंसान, तो आपकी इन बातों को सोच के उसके फेस में स्माइल आ जाती है। ये सारी चीजें उसे आपकी याद दिलाती है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक करके, थोड़ा सा फन करके भी आप किसी के दिमाग में रह सकते हो। एट नंबर पॉइंट, सपोर्टिव बने। देखिए, जब आप किसी के अच्छे बुरे समय पे उसके साथ कर देते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, उसको सहानुभूति देते हो, उसके साथ जेन्युइन केयर दिखाते हो, उसको ये एहसास दिलाते हो कि आप उसके साथ हो, तो उस टाइम पे आप उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन बनाते हो, एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट करते हो। जब कोई इंसान लाइफ के चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप उसे बिना जज किए सपोर्ट करते हो, उसके साथ खड़े रहते हो, तो वो इंसान आपको अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएगा, उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। वो इंसान आपको अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप उसके साथ उसके टफ टाइम में खड़े रहे, उसके हाई और लो जो सिचुएशन थी, उसके टाइम था, उस समय आप उसके साथ थे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप किसी के माइंड में अपनी जगह बना सकते हो। वो इंसान आपके अब्सेंस में, जब आप उसके आसपास नहीं होंगे, तब भी वो आपके बारे में सोचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सीधा लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाते होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।